अगली खबर, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा शिक्षा अभियान के तहत सूरतगढ़ पीलीबंगा ब्लॉक के राजकीय स्कूल में जरूरतमंद और प्रतिभाशाली 1000 बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत 4 के SR की 7 बेटियों को, भगवान सर की 2 बेटियों को, संगर की 2 बेटियों को, मानक सर ग्राम पंचायत की 2 बेटियों को स्मृति चिन्ह व नगद सहयोग राशि देकर सम्मानित किया। काम भगवान सर में भगत सिंह युवा मंडल और रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा बच्चों को सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने वाली पूजा कुमारी यादव और शिक्षा केंद्र 2 के SR की संचालिका विमला राठौड़ को स्मृति चिन्ह व नगद सहयोग राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत सरपंच गौतम टाक और मनदीप धारीवाल थे। गांव संगर में 2 राज्य स्तरीय खिलाड़ी और बच्चों को मुख्य अतिथि सरपंच भजन लाल जलंधरा, मंडल अध्यक्ष पवनदीप सिंह और RP जलंधरा ने ट्रस्ट के सहयोग से सम्मानित। सिद्धू वाला गांव डाबा जलार में माना राम मांगलिया ने रामेश्वरम ट्रस्ट के सहयोग से 165 बच्चों को सम्मानित किया। 8 SFPD में दाता राम सेवठा और खेतपाल गोदारा ने सहयोग किया। मुख्य अतिथि सरपंच जसपाल सिंह थे। गांव में 70 प्रतिभा को सम्मानित किया। गांव शोपुरा में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक जसपाल टाक के सानिध्य में ट्रस्ट ने 100 प्रतिभा और 5 राज्य स्तरीय खेलने वाली बेटियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गांव रामपुरा रंग महल में शिक्षा अभियान संयोजक पूनम प्रजापति के सानिध्य में 50 प्रतिभा को सम्मानित किया गया। गांव 22 LGW में भीमराव अंबेडकर युवा मंडल के सानिध्य में ट्रस्ट ने 40 बच्चों को सम्मानित किया। मुख्य कार्यक्रम गांव 3 SGM शिक्षा केंद्र में आयोजित किया। बच्चों ने कविताएं गीत सुनाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलवीर जटवाल ने बच्चों को प्रेरणादायी बातें बताई और देश को शिक्षित करने वाली बेटी पूजा कुमारी यादव की सराहना की। मुख्य ट्रस्टी संतलाल खंडेलवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। वो किसना है? वो किसना है? वो किसना है?